हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना स्टील मोल्डर और आज हम जानेंगे रेलवे द्वारा निकाली गई बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में। ये वैकेंसीज़ जेईई के लिए निकाली गई हैं और यहां पर 13,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ निकाली जा चुकी हैं। यहां पर आप देखिए, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 29/12/2018 है, जो कि निकल चुका है ऑलरेडी, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा 2/1/2019 को। तो सभी वो एस्पिरेंट्स जो कहीं ना कहीं जेई की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी जेई की प्रिपरेशन करते हैं, गेट की प्रिपरेशन करते हैं या ईएस की प्रिपरेशन करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सब के लिए अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब हम जान लेते हैं इसकी कुछ खास डिटेल्स के बारे में। जैसे कि ओपनिंग डेट आपको मालूम है, वो है 2/1/2019। इस दिन से आप अपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसे स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद क्लोजिंग डेट होगी जो आपकी होगी वो होगी 31/1/2019 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद आपको जो फ़ी पेमेंट करनी है उसके लिए, अगर आपने ऑनलाइन वो पेमेंट करनी है तो आप 5/2/2019 तक कर सकते हैं, और ऑफलाइन मोड के लिए 4/2/2019 तक कर सकते हैं। ऐसा करने का एक खास कारण है, क्योंकि बैंक के द्वारा पेमेंट करने में कुछ समय लग जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही ऑफलाइन पेमेंट्स को बंद कर दिया जाता है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन आपके सामने है 7/2/2019। आप जान लीजिए, इसमें दो तरह के टेस्ट होंगे, एक होगा आपके पास स्टेज वन टेस्ट और दूसरा होगा आपके पास स्टेज टू टेस्ट। दोनों ही टेस्ट जो हैं वो सीबीटी होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। आइए अब हम जानते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में इस एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एज लिमिट दी गई है 18 से 33 साल तक। इसमें डिप्लोमा होल्डर्स और बीटेक होल्डर्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जेई की ये वैकेंसीज निकाली गई है, यहाँ पर अलग से वैकेंसी इस बार आईटी इंजीनियर्स के लिए भी निकाली गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पे स्केल जो है वो है 35,400, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो एग्ज़ाम है ये दो स्टेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, और दोनों ही स्टेजेस जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स होंगे। एंड एज रिलैक्सेशन के बारे में दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल्स को 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। वहीं एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन का प्रावधान भी यहाँ दिया गया है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन फ़ीस की। यहाँ पर भले ही एक बार आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होते हैं, आपको 400 रुपीज जो है वो रिफंड मिल जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, फीमेल्स के लिए, ट्रांसजेंडर्स और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए 250 रुपीज़ फ़ीस है, जो कि स्टेज वन सीबीटी में अपीयर होने के बाद आपको कम्प्लीटली रिफंड हो जाएगी। इसमें आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि सिर्फ जो ड्यू बैंकिंग चार्जेस हैं सिर्फ वही डिडक्ट किए जाएंगे, इसके अलावा आपके कोई भी पैसे नहीं कटेंगे। मोड ऑफ पेमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन और यूपीआई एप्लीकेशंस जैसे कि फ़ोनपे एंड भीम यूपीआई वगैरह से भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है, एसबीआई के थ्रू आप चालान भी करा सकते हैं, और यहाँ तक कि आपको पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा कराने की सहूलियत दी गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर्स के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं पे आप इस बात का ध्यान रखें कि डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी कि डीएमएस, और साथ ही साथ आईटी इंजीनियर्स और केमिकल और मेटलॉजिकल असिस्टेंट्स के लिए भी जो एग्ज़ाम होगा वो कॉमन होगा। ये जो एग्ज़ाम होगा ये 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 90 मिनट के टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए 30 क्वेश्चन हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो जनरल साइंस का आपका पेपर है, इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से ही सवाल पूछे जाते हैं, तो इन सब के लिए आपको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए और मैथमेटिक्स के लिए भी आपको स्पेशल क्लासेस इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएंगी। इस एप्लीकेशन में आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया गया है मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के लिए स्पेशल यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लेवल का आएगा, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। तो कभी कभी ये दिक्कत देखने में आ जाती है कि अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग सिलेबस होता है, जिसके वजह से बच्चों को बहुत परेशानी होती है। तो इस बार इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को ऑप्ट किया है और सीबीएसई के सिलेबस को इन्होंने चुना है, जो कि लगभग पूरे देश में एक समान ही है। वहीं जनरल अवेयरनेस जो है वहाँ पर भी आपको बहुत सी वैरायटी देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको हिस्ट्री स्टडी करनी पड़ेगी, फ्रीडम स्ट्रगल होगा, इंडियन पॉलिटी होगी, इकोनॉमी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसमें एक चीज़ जो हमने ध्यान में रखनी है वो है इन्वायरमेंटल इशूज़, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस दोनों ही आस्पेक्ट्स में बनने की पूरी पूरी संभावना है।
वहीं एनालॉगीज और अल्फाबेटिक्स एंड नंबर सीरीज जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ये सुनने में आता रहता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एनालॉगीज के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है अब। और आजकल कंप्यूटर्स के ऊपर जो पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं उसमें भी एनालॉगीज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाइड जो सब्जेक्ट है उसे कवर किया गया है, जैसे कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैट्स, स्क्वायर रूट्स, बाकी चीज़ें तो कहीं ना कहीं कॉमन हम हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं जो कहीं ना कहीं एसएससी के लेवल पर आती हैं, जिसे अब आरआरबी ने भी ऑप्ट कर लिया है। दोस्तों अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। यहाँ पर आप एक बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें कि जो आपका स्टेज वन टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड होगा, जबकि आपका जो एक्चुअल सिलेक्शन होगा वो स्टेज टू में जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे उसके ऊपर बेस्ड होगा टोटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल आपको मिलेंगे 120 मिनट्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर 150, जो कि यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। सिलेबस यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, यहाँ पर भी हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक बात समझ में आया कि सेकेंड स्टेज में जो वैकेंसीज हैं वहाँ पर 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा हर कम्युनिटी में से। सिलेबस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री बेस्ड होंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस भी यहाँ पर पूछे जाएंगे, एनवायरनमेंट स्टडीज़ होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। जनरल नॉलेज में पार्ट टू में वही लगभग सेम सिलेबस यहाँ पर रहेगा जो कि पार्ट वन में है, यानी कि अगर आप एक बार पार्ट वन CBT-1 की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो CBT-2 में आपके लिए ये हिस्सा काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उसी तरह से 10वीं क्लास तक CBSE बेस्ड सिलेबस पूछा जाएगा, और जहाँ तक कंप्यूटर बेसिक्स की बात है तो यहाँ पर MS ऑफिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, ईमेल्स, इंटरनेट, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस, विंडोज़, स्टोरेज डिवाइसेस, इन सब के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन आजकल बहुत ही न्यूज़ में रहने वाला एक टॉपिक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन गिरती जा रही है, इसीलिए इन चीज़ों को आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऐड कर लिया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं टेक्निकल एबिलिटीज़ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल एबिलिटी के लिए 100 मार्क्स का पेपर है, जिसके लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही अंक आपको दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 150 अंक का पेपर है, जिसमें बाकी बचते 50 नंबर आपको जो हैं CBT-1 पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वहीं से आपकी प्रैक्टिस के थ्रू पूछ लिए जाएंगे। हालांकि आप यहां पर समझे कि ये पेपर पास करना इतना आसान नहीं होगा, ये इस तरह से नहीं है कि आपने कुछ क्वेश्चन किए, जितने क्वेश्चन किए उतने ही आपके नंबर आ गए, क्योंकि यहां पर होगी नॉर्मलाइजेशन। आइए जानते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन्होंने पूरी डिटेल में यहां पर दिया गया है। ये एक फार्मूला जो है RRBs ने इस बार ऑप्ट किया है, किसके लिए? कैलकुलेशंस के लिए, स्पेसिफिकली परसेंटेज के लिए। जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार जब RRB ने वैकेंसीज निकाली थी, 90,000 के करीब वैकेंसीज निकाल दी थी, उस समय बहुत ही ज़्यादा लोगों ने, तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने पेपर फिल कर दिया था, जिसकी वजह से RRBs को पेपर कंडक्ट कराने में बहुत ही दिक्कत आई थी। इसलिए यहाँ पर एक दिक्कत ये भी आ जाती है कि इन पेपर्स को अलग अलग शिफ्ट में कराया जाता है, जिसकी वजह से किसी पेपर में आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी पेपर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल आ जाते हैं। इस चीज़ में किसी कैंडिडेट का नुकसान ना हो, इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया जाता है, जो कि आप यहाँ पर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कैलकुलेशंस ऑफ मेरिट इंडेक्स फॉर ऑल पेपर्स। यहाँ पर आपकी हर पेपर में मेरिट बनेगी। मेरिट बनाने का ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, जिसके सारी की सारी नोटेशंस यहाँ पर दी गई हैं, जिसे आप आराम से देख सकते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इजीली इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसे ध्यान से पढ़ सकते, नहीं तो आप इस वक्त इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि हमें कैसे करना है अप्लाई इस पेपर के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर 15 पार्ट ए में यहाँ पर इन्होंने सही सही बताया गया है कि किस तरह आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। आपको पहले सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है, उसके बाद आपका जो भी RRB है उसकी वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद वहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर देना है। आपको अपना अकाउंट बनाना है, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको वैकेंसीज का देखना है, पोस्ट पैरामीटर्स देखने हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है किस किस RRB में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, आप उस RRB को में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अपने ही रीजन में रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि अगर आप पंजाब से हैं तो आपको नॉर्दर्न रेलवे में ही अप्लाई करना है, या अगर आप ईस्ट में कहीं रहते हैं तो आपको ईस्टर्न रेलवे में ही अप्लाई करना है। आप किसी और रेलवे में भी अप्लाई कर सकते हैं, बस बात सिर्फ इतनी होगी कि आपको अपना पेपर देने उस रेलवे के जोन में जाना पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं
कि मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ और सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं आपको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियरिंग दे दिया गया है जिसके लिए आपको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी इस चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। एक गलती जो आमतौर पर बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि आप सबसे पहले CBT-1 की तैयारी करते हैं, CBT-2 की तैयारी CBT-1 के रिजल्ट के बाद करते हैं। ऐसे समय में आपके पास CBT-2 की तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय बचता है, जिसकी वजह से आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ आपके लिए दो क्लासेस लाने की, जिसमें कि पहली क्लास जो होगी आपके पास वो होगी CBT-1 के लिए और जो दूसरी क्लास होगी वो होगी, सेकेंड क्लास जो रोज़ लेके आई जाएगी वो होगी CBT-2 की प्रिपरेशन के लिए। तो सिविल इंजीनियर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग फिनिशेस, सर्वेइंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये सब आपके सिलेबस में है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो जो हैं आपने डिप्लोमा लेवल पर ही पढ़ ली होती हैं, लेकिन कुछ एक बातों को आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे, जैसे कि सर्वे में इस बार एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स, एरियल सर्वे और रिमोट सेंसिंग ऐड कर दिया गया है, टेकोमीट्रिक सर्वे, कर्व्स, टाइपिंग्स, टाइप्स एंड सेटिंग आउट, जिसपे आजकल बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कुछ नई नई ऐड हो रही हैं। वही कैड में 3D व्यू जो बहुत ही कम पूछा जाता है, इस बार स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है सिलेबस में, तो बहुत आसार हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनने के। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 नंबर पर दिया गया है डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, उसके बाद है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। हमें ये सभी टॉपिक साथ साथ में तैयार करने हैं ताकि हमें कभी भी समय की कमी इस तैयारी के लिए महसूस ना हो। दोस्तों अंत में इस एडवर्टाइजमेंट की दी गई हैं RRB में किस जोन में कितनी हैं वैकेंसीज, जैसे कि आप RRB तिरुवनंतपुरम में देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर पेवे की, सब डिटेल में यहाँ पर कैटेगरीज दी गई हैं, कितनी कैटेगरीज आएंगी अनरिजर्व्ड की, SC की, ST की, OBC की, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं इन वैकेंसीज़ के आधार पर कि कहाँ आपके लिए बेहतरीन जगह होगी RRB का पेपर अप्लाई करने के लिए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मेरी पूरी कोशिश होगी हर रोज़ दो क्लासेस लाने के लिए ताकि आप तैयारी कर सकें अच्छे से CBT-1 और CBT-2 के लिए। याद रखिएगा सुबह के सेशन में आएगी CBT-1 की क्लास और शाम के सेशन में आएगी CBT-2 की क्लास, जहां पे हम इंजीनियरिंग, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग को कवर किया जाएगा जिसके लिए कोचिंग क्लासेस बहुत ही कम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और Part 1 में कवर किया जाएगा CBT-1 का सिलेबस। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि सब जने आए जुड़ें और एक बार फिर से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें और 2019 को एक सफल साल बनाएं।